हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था, उसका बेसिक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉची सीक्वेंस, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इससे डायरेक्टली रिजल्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप के ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि टीजीटी में भी इसका सिलेबस में है ये, और पीजीटी में भी है, जीआईसीएलटी के भी सब में है, ठीक है। तो देखें, पांच क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ओके, एक एक करके। इन द सेट 1, 1/2, 1/3 up to 1/n इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड लैम्डा एंड म्यू, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू। ये पीसीएस 98 का क्वेश्चन है, पीसीएस 98 का क्वेश्चन है। पीसीएस से टीजीटी पीजीटी में बहुत क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का सम पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आप इसे इजीली कर पाएंगे यदि कंडीशन आपने देखी है तो, ठीक है। तो देखो, अपर बाउंड हमारा मैक्सिमम, अपर बाउंड कितना मिलेगा इसका, अपर बाउंड जो मिलेगा आपका वो 1 है, और लोअर बाउंड हम देखें, लोअर बाउंड लास्ट लिमिट डिक्रीज हो रहा है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। अपर बाउंड तो हमें 1 दिख रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा है 1/2, 1/3, 1/4 up to 1/n, 1/n एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा देंगे, 1/∞ क्या होता है हमारा, 0 होता है, 1/∞ जीरो होता है। और लोअर बाउंड, लोअर बाउंड हमारा ये आ गया कम से कम 0, तो लोअर बाउंड को हमने क्या लिखा है, लोअर बाउंड म्यू है बराबर 0, और अपर बाउंड लैम्डा के इक्वल है, इसलिए लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू, लैम्डा हमारा 1 है प्लस म्यू इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 1। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अच्छे से लिख लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी डायरेक्टली पूछी जाती है आपकी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं फिर, ओके। हाँ देखो, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसे नोट कर लें पहले, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं, ओके। हाँ देखो, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कौन सा है। ये यूपी टीजीटी 10 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 10 में 2010 का क्वेश्चन है। तो कोई सेट दिया है, नहीं, सीक्वेंस दिया है ए एन, ए एन बराबर हमारा है 1/n, एन बराबर इसमें हम 1, 2, 3 up to 4 भर के देखें, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे करके कहानी चल रही है, ये सीक्वेंस है हमारा। अब इससे जो सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का मतलब इसके ही एलिमेंट उस सीक्वेंस में होना चाहिए, चेक करते हैं, चेक ए ऑप्शन को चेक करते हैं, सीक्वेंस ए एन बराबर एन है, एन बराबर 1, 2, 3 नॉट सब सीक्वेंस होगा ये ए एन का, ये तो बन ही नहीं सकता, 1/2 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है एलिमेंट। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन प्लस माइनस जाएगा, -1/(n/n), एन बराबर 1 बना, -1/(1, 2)/(1/2, 3)/, तो -1/3, ये भी नहीं बनेगा सब सीक्वेंस, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, नेगेटिव रीजन हमारा है ही नहीं। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, सी ऑप्शन ए एन बराबर हमारा कितना है इसमें, ए एन बराबर 1/n+1 है,
एम बराबर वन रखें, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फोर, ये डट 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 ये इसका सबसेट होगा या इसका सबसिक्वेंस होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। सी जो सिक्वेंस सी वाला दिया है एन बराबर वन अपॉन एन प्लस वन, इस गिवन सिक्वेंस का सबसिक्वेंस होगा। ये यूपी टीजीटी 10 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ये भी, डी ऑप्शन भी नहीं बनाएगा। चेक करोगे तो ए एन हमारा कितना दिया है, 2n दिया है, n बराबर 1 2 3 भरा है तो 2 4 6 ये इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉट द सबसिक्वेंस होगा, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी रिजल्ट की तरह है ये। थर्ड का आंसर लिखते हैं, ये कह रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए एवरी बाउंडेड नहीं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, पहली बात तो ये बाउंडेड होता है, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, पहली बात तो थर्ड का आंसर बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। और देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कॉची सीक्वेंस भी होता है, कॉची सीक्वेंस, ओके। दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनको टिक कर सकते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होता है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है तुम्हारा, ठीक है, कॉची सीक्वेंस होता है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, फोर की बात करते हैं, फोर अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट है सीधा सीधा, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर लिखते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has a convergent subsequence, ऐसे करके दिया गया है, एक बार subsequence होगा, इसका limit point unique होता है, वन होता है, ठीक है। has a every bounded sequence has a limit point, या इसका option हो सकता है a limit point, लिमिट पॉइंट, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन आपका दे रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते हैं, इसमें कह रहा है देखो द सीक्वेंस 3n इज डाइवर्स टू, डाइवर्स कहां तक करेगा, डाइवर्स कहां तक करेगा, क्वेश्चन फाइव का आंसर लिखते हैं, ए एन हमारा कितना दिया है 3n दिया है, डाइवर्स कहां तक करेगा, लिमिट भर देते हैं इसमें, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ए एन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n 3n इक्वल टू इंफिनिटी, और वो भी प्लस इंफिनिटी, ओके। जब बेस एक से अधिक होता है, पावर इंफिनिटी होती है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी ही आती है, इंफिनिटी तक नहीं करता है, और जब बेस एक से कम होता है, पावर इंफिनिटी होती है, तो वो जीरो की तरफ लाई करता है, ठीक है। हाँ तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ओके। हाँ क्वेश्चन थर्ड बन सकता है ऐसे ही, क्वेश्चन सिक्स, द सीक्वेंस सीक्वेंस माइनस ई टू द पावर एन
इज डाइवर्ज, डाइवर्ज टू ए ऑप्शन इंफिनिटी, बी ऑप्शन माइनस इंफिनिटी, सी ऑप्शन जीरो, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आंसर लिखते हैं इसका, ए एन सीक्वेंस दिया है हमारा माइनस ई पे पावर एन, लिमिट भर के देखते हैं कहां तक डाइवर्ज करेगा ये, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस ई पे पावर एन। ई का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है, ठीक है, तो एक से बड़ा होता है, इस पर पावर इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी ही देगा। दिस इज आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिजल्ट की तरह बचते हैं, उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें, ठीक है। चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके बाय।